इस वीडियो में हम मीडिएटिंग वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि रिसर्च के अंदर मीडिएटिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स के दरमियान क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं। व्हाट इज मीडिएटिंग वेरिएबल? मीडिएटिंग वेरिएबल को इंटरवीनिंग वेरिएबल भी कहते हैं। अ मीडिएटर वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रेडिक्टर वेरिएबल एंड अ क्राइटेरियन वेरिएबल। प्रेडिक्टर वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं और क्राइटेरियन वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। तो मीडिएटिंग वेरिएबल या इंटरवीनिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ एस्टीम मीडिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेड्स एंड हैप्पीनेस। अगर हम इस एग्जाम्पल को स्टडी करें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ग्रेड्स, इसको प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल है हैप्पीनेस, इसको डिपेंडेंट क्राइटेरियन या आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो मीडिएटिंग वेरिएबल है या इंटरवीनिंग वेरिएबल है वो है सेल्फ एस्टीम। तो अगर हम इसी मॉडल को स्टडी करें ना, तो इस मॉडल के अंदर हम ग्रेड्स का डायरेक्ट इफेक्ट भी स्टडी कर सकते हैं हैप्पीनेस के ऊपर। अगर एक स्टूडेंट्स के ग्रेड्स अच्छे होंगे तो डेफिनेटली अच्छे ग्रेड से उस स्टूडेंट को हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एक थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करें जो कि है सेल्फ एस्टीम, इसको हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल या मीडिएटिंग वेरिएबल। तो ये ग्रेड्स और हैप्पीनेस के दरमियान रिलेशनशिप को बेटर एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के अगर ग्रेड्स अच्छे होंगे तो इससे उसको सेल्फ एस्टीम मिलती है। सेल्फ एस्टीम का मतलब है खुददारी, बड़ापन। एक स्टूडेंट को लगता है कि वो दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और इसी तरह उस स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी सर ऊंचा होता है, उनको भी फख्र होता है कि उनका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरे स्टूडेंट से उनका बेटा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ग्रेड से सेल्फ एस्टीम मिलती है और सेल्फ एस्टीम से हैप्पीनेस मिलती है। तो मीडिएटिंग वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। इस मॉडल के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीडिएटिंग वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है और मीडिएटिंग वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे चेन ऑफ इन्फ्लुएंसेस होते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा वेरिएबल तीसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है मीडिएटिंग या इंटरवीनिंग वेरिएबल का कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे मीडिएटिंग या इंटरवीनिंग वेरिएबल कहते हैं। What is moderating variable? Moderator is a variable that affects the strength of relationship between independent and dependent variable. Moderating variable ऐसा variable होता है जो कि independent और dependent variable के दरमियान relationship की strength को affect करता है, positively और negatively. For example, relationship between salary and job performance depends on motivation. अगर हम इस example को study करें तो यहाँ पर salary independent variable है और job performance dependent variable है। अगर इम्प्लॉयज़ की सैलरी अच्छी होगी तो डेफिनेटली इनकी जॉब परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, लेकिन इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है मोटिवेशन। कि अगर सैलरी अच्छी हो लेकिन इम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन ना हो तो इम्प्लॉयज़ की जॉब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए सैलरी के अच्छे होने के साथ साथ मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो इम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी इफेक्टिव नहीं होगी। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर मोटिवेशन एक मॉडरेटिंग वेरिएबल है जो कि सैलरी और जॉब परफॉर्मेंस के दरमियान रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। अगर मॉडरेटिंग वेरिएबल के अंदर कोई चेंजेस आएंगी तो इसका इफेक्ट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ के ऊपर भी होगा। ऐसा वेरिएबल कहलाता है मॉडरेटिंग वेरिएबल।